वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल, दिस इज तेश हियर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है केस स्टडी या फिर केस प्रेजेंटेशन ऑफ साइकोसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखेंगे पेशेंट का, जिसके अंदर की नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और डायग्नोसिस लिख लेंगे हम। फिर प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट लिख लेंगे पेशेंट की। प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट के बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, ट्रीटमेंट हिस्ट्री और पास्ट साइकाट्रिक और मेडिकल हिस्ट्री लिख लेंगे हम। इसके बाद पर्सनल हिस्ट्री लिखेंगे पेशेंट की, जिसके अंदर की पेरिनेटल हिस्ट्री, एंटीनेटल पीरियड कैसा था, इंटरनेटल पीरियड कैसा था, बर्थ किस प्रकार का था, नॉर्मल था, एबनॉर्मल था, बर्थ डिफेक्ट वगैरह तो नहीं था कोई सा, पोस्टनेटल पीरियड कैसा था और कॉम्प्लिकेशन वगैरह तो नहीं थी कोई सी। इसके बाद हम चाइल्डहुड हिस्ट्री लिखेंगे पेशेंट की, जिसके अंदर की प्राइमरी केयर गिवर कौन था, फीडिंग किस प्रकार की थी, एज ऑफ वीनिंग क्या है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन कैसे हैं, बिहेवियरल एंड इमोशनल प्रॉब्लम तो नहीं थी कोई सी, इलनेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड कोई रही थी क्या। फिर हम एजुकेशनल हिस्ट्री लिख लेंगे पेशेंट की। एजुकेशनल हिस्ट्री के बाद में प्ले हिस्ट्री, इमोशनल प्रॉब्लम ड्यूरिंग एडोलसेंट, ठीक है। फिर हम प्यूबर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। प्यूबर्टी के बाद में ऑक्यूपेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। ऑक्यूपेशन के बाद मैरिटल हिस्ट्री लिख लेंगे पेशेंट की। मैरिटल हिस्ट्री के बाद में प्रीमॉर्बिड पर्सनैलिटी लिखेंगे हम पेशेंट की, IPR कैसा था, फैमिली एंड सोशल रिलेशन कैसे हैं, यूजुअल स्ट्रेस रिएक्शन कैसा है, प्रीडोमिनेंट मूड कैसा है पेशेंट का। इसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, जिसके अंदर की प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री, जनरल एग्जामिनेशन जिसके अंदर की टेम्परेचर, पल्स, रेस्पायरेशन, VP, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, एब्डोमेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, ठीक है। जो भी सिस्टम वगैरह हैं उनमें अगर कोई एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही है हमको तो वो लिख लेंगे हम। इसके बाद मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, जिसके अंदर सबसे पहले जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, अपीयरेंस कैसा है, फेशियल अपीयरेंस कैसा है पेशेंट का। इसके बाद लेवल ऑफ ग्रूमिंग कितनी है, किस प्रकार की है, कॉन्शियसनेस लेवल कैसा है, बिहेवियर कैसा है, आई टू आई कॉन्टैक्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, साइकोमोटर एक्टिविटी, पोस्चर, अदर मूवमेंट, अदर कैटोनिक एक्टिविटी, हेलिनेटरी बिहेवियर, ठीक है, इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। इसके बाद हम स्पीच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे कि इनिशिएशन ऑफ स्पीच कैसा है, रिएक्शन टाइम कैसा है, रेट कैसी है, प्रोडक्शन कैसा है और टोन कैसी है, लाउड है या फिर स्लो है। इसके बाद मूड एंड अफेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे हम, भाई प्लीजरेबल है, अनप्लीजरेबल है, फिर अदर कोई है। इसके बाद थॉट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, फॉर्मेशन लेवल पर है, प्रोग्रेशन है या कंटेंट है। इसके बाद परसेप्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, एल्यूजन, डिपर्सनलाइजेशन, हेलुसिनेशन वगैरह में से कुछ है क्या। फिर हम कॉग्निटिव फंक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जिसकी कॉन्शियसनेस कैसा है, ओरिएंटेशन कैसा है, अटेंशन कैसा है, जजमेंट कैसा है पेशेंट का। फिर मेमोरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, मेमोरी के बाद मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे कि हाइपर एक्टिव है, डिसएक्टिव है या फिर डिक्रीड एक्टिविटी है। फिर हम इनसाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे पेशेंट की, रिलेटेड टू 1 to 6 point स्केल, ठीक है। इसके बाद हम नीड ऑफ पेशेंट लिख लेंगे, भाई कौन कौन सी ऐसे पेशेंट की नीड है जो हमको फुलफिल करनी है। इसके बाद हम डिजीज डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, जिसके अंदर की सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाएगा साइकोसिस का, इंट्रोडक्शन के बाद में डेफिनेशन हो जाएगी, डेफिनेशन के बाद इंसिडेंस किस प्रकार का है, इंसिडेंस प्रिवलेंस कैसा है इसका साइकोसिस का। इसके बाद एटियोलॉजी एंड कॉजेज लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बुक एंड अकॉर्डिंग टू पेशेंट। इसके बाद में सिम्टम्स लिखेंगे, बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर। सिम्टम्स के बाद इन्वेस्टिगेशन क्या क्या है, बुक के अकॉर्डिंग क्या है और पेशेंट के अंदर क्या क्या करवाई गई हैं, ट्रीटमेंट किस प्रकार का रहेगा, ट्रीटमेंट लिख लेंगे हम। इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसके अंदर सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट करेंगे हम, असेसमेंट ऑफ इमोशनल स्टेटस, एनजाइटी, प्रेजेंस ऑफ परसेप्चुअल एरर, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पेशेंट और नॉलेज से रिलेटेड हम असेसमेंट करेंगे। इसके बाद डायग्नोसिस लिखेंगे हम, जिसके अकॉर्डिंग हम NCB बनाने वाले हैं। सबसे पहले इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन का हो जाएगा, सेकंड डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस, थर्ड इम्पेयर्ड इंडिविजुअल कोपिंग, फोर्थ फियर एंड एनजाइटी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, लास्ट में नॉलेज डेफिशिएंट का हो जाएगा हमारे NCP। सबसे पहले हम पहले NCP बनाएंगे हमारे इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन का, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा पहला NCP हो जाएगा। ये लिखने के लिए आप वीडियो क्वालिटी हाई कर लें और वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। इसका PDF कैसे प्राप्त करना है आप वीडियो लास्ट तक देखें, मैं आपको तरीका बता दूंगा।
कि पहला एनसीपी हो जाएगा हमारा, सेकंड एनसीपी हो जाएगा हमारा डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस का, इसके बाद में थर्ड एनसीपी हो जाएगा हमारा इनफेक्टिव इंडिविजुअल कॉपिंग का, ठीक है। इसके बाद फोर्थ एनसीपी हो जाएगा हमारा फियर एंड एनजाइटी, फिफ्थ एनसीपी हो जाएगा हमारा नॉलेज डेफिशिएट का, फिर हम हेल्थ एजुकेशन लिख लेंगे, क्या क्या हेल्थ एजुकेशन है, फिर साइको एजुकेशन प्रोवाइड कर पाई जाएगी पेशेंट को, यह हेल्थ एजुकेशन हो जाएगी। लास्ट में हम बिब्लियोग्राफी लिख लेंगे, भाई हमने जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी है तो कौन कौन सी बुक का रेफरेंस लिया है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी प्राप्त हो। और अगर आपको इसका PDF चाहिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। धन्यवाद।